Yeah. You can rent a boat here to go to the Lokrum Island. It's a nice island in itself, and one of the... One second. You can rent a boat from here to go to the Lokrum. What is it? Lokrum. चलते चलते रास्ते में एक ये पेंटिंग से मिली है, क्या दिखाया जा रहा है इसमें समझ में नहीं आ रहा, कोई डांटने लग रहा है और ये शर्म के मारे सर झुका रहा है। Wait a minute, who are you? किसी की वाटर बॉटल भी है यहाँ पर, पानी है इसमें। मैं असल में एक ही छोटी सी बॉटल लेकर चला हूँ ऊपर, तो पानी काफी लेकर चलना अच्छा है यहाँ पर, और अगर मेरे पास पानी की कमी हुई तो कम से कम ये इमरजेंसी के लिए है। अब जो हाइट है वो इतनी आ गई है कि पेड़ों की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है यहाँ पर, लेकिन देखो जरा वो फोर्ट कितनी नीचे हो गया, अब पूरा समुद्र का होराइजन दिख रहा है, और वहां पर दूसरा कोना डुब्रोवनिक का, जो एक्चुअल ओल्ड टाउन है वो यहाँ पर है, छुपा हुआ है, थोड़ी सी और ऊपर जाऊंगा वो भी दिखने लग जाएगा। इतनी जलती धूप में किसी ने क्रिसमस ट्री भी सजा रखा है यहाँ पर, इमेजिन कर सकते हो एक रोजमेरी का पौधा उगने लग रहा है यहाँ पर, ऐसे तो खाया जा सकता है। एक्चुअली हो सकता है कोई सब स्पीशीज हो सेम फैमिली की और पॉइजनस हो, तो शायद खाना नहीं चाहिए। लक्ष्य अब ज्यादा दूर नहीं है, मंजिल मुट्ठी में हो जाएगी कुछ ही देर बाद। एक केबल कार भी जाती थी ऊपर तक, लेकिन बंद पड़ी है केबल कार। अब इतनी हाइट पर पहुंच गया हूं कि ओल्ड टाउन पूरा दिखने लग रहा है, और पेड़ों की छाया भी खत्म हो गई है। ये देखिए क्या जबरदस्त व्यू है, वैसे ये जो आइलैंड देख रहे हो पीछे इसका नाम है लोकरूम आइलैंड। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर इतनी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, पुराने जमाने के फोर्ट्स बने हुए हैं, ओल्ड सिटी है, उस छोटे से आइलैंड पर भी एक किला बना रखा है, लेकिन उस आइलैंड पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ वेजिटेशन और ग्रीनरी ही दिख रही है। इसके पीछे रीजन ये है कि पुराने जमाने में जो क्रोएशियंस रहते थे वो मानते थे कि वो आइलैंड कर्स्ड है, तो वहां पर कोई बिल्डिंग या चर्च कुछ इन्होंने बनाया नहीं, उसे ऐसे कैसे ही रहने दिया। आज के दिन बोटैनिकल गार्डन है वहां पर एक, और वाइल्ड लाइफ काफी अच्छी है वहां पे। हेलो, डू यू नो इफ देयर इज अ रेस्टोरेंट अप देयर? इफ देयर इज व्हाट? अ रेस्टोरेंट अप देयर? अ रेस्टोरेंट? या यस, बट इट्स क्लोज्ड। ओह, इट्स क्लोज्ड, नथिंग इज ओपन अप देयर। ओके, यू जस्ट हैव टू नाइस व्यू फ्रॉम देयर। ओके, ग्रेट। नो प्लेस टू ड्रिंक अ वाटर इवन? आई फाउंड अ वाटर टैप देयर। ओके, वन वाज वर्किंग। ओके, आई ड्रैंक दैट वाटर, सीम्स टू बी ओके। Okay, that's great. Yes. Thank you. You have to search a little bit, but there's one tap that is working. Okay, thank you. तो ये पहली बार था कि पूरे रास्ते में मुझे कोई और इंसान मिला हो, और कोई हैरानी की बात नहीं है कि कोई नहीं मिला। हालांकि गूगल मैप्स ने दिखा रखा है कि ऊपर एक रेस्टोरेंट है, अब वो रेस्टोरेंट भी बंद पड़ा है, इसीलिए कोई है ही नहीं यहाँ पर आने वाला, क्योंकि ऊपर जाके कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय एक अच्छे व्यू के। और व्यू तो मुझे यहाँ से भी दिख रहा है बड़ा अच्छा, लेकिन अब इतनी ऊपर आ ही गया हूँ तो पूरा ही ऊपर तक चल लेता हूँ। इस पॉइंट से तो पूरा का पूरा ओल्ड टाउन दिखने लग रहा है, और आप देख सकते हो दीवारें कैसे चारों तरफ जा रही हैं इस ओल्ड टाउन के अनइंटरप्टेड। ये बहुत ही यूनिक चीज है, अक्सर जितने भी शहर है, हिस्टोरिकल शहर है दुनिया में, वहां पर बहुत ही कम ऐसे शहर है जहाँ पे दीवारें पूरी बची हुई हो जैसे मेडिवल टाइम्स में हुआ करती थी। आप यहाँ से चलना शुरू करोगे दीवारों पे पूरा गोल चक्कर काट सकते हो। ओके, फाइनली ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ मैं यहाँ पर, दिखने ही लग रहा है जो ऊपर किला था। कुछ खिड़कियां यहाँ पर टूटी हुई है, और सरप्राइजिंगली इस हाइट पर काफी पेड़ उगे हुए हैं। किसी ज़ॉम्बी फिल्म की याद दिलाता है, तो खिड़की के अंदर देखना है क्या है। कोई म्यूजियम ही है। डेंजर का साइन, एंटर एट योर ओन रिस्क। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का भाई, यहाँ पर क्या रिस्क होगा। डेंजर, हाई वोल्टेज, फॉरबिडन टू क्लाइम ऑन ऑब्जेक्ट, स्टील और डिस्ट्रॉय इक्विपमेंट। यहाँ किस पर क्लाइम करूंगा मैं, इतने डेंजर के साइन बने हैं तो भाई आने की जगह क्या है यहाँ पर। एक लेवल और ऊपर तक जाना पड़ेगा। यहाँ 1991 की वॉर की फोटोज लगी हुई हैं। 1991 में बड़ी जंग हुई थी यहाँ पर, जब यूगोस्लाविया टूटा था और क्रोएशिया एक
इंडिपेंडेंट कंट्री बना था। बहुत ही रिसेंट बात है ये। इमेजिन करो एक ऐसा देश कितने सालों बाद आज़ादी मिली इसे, जो लोग 91 की वॉर में शहीद हुए थे। ड्यूरिंग द होमलैंड वॉर 91-95 दिस फोर्ट्रेस बिकेम अ सिंबल ऑफ हीरोइक डिफेंस ऑफ डुब्रोवनिक। इसकी पीछे की पहाड़ियों का नज़ारा भी ज़बरदस्त है। दूर दूर तक बस नेचर दिखाई दे रहा है। इक्के दुक्के घर हैं और कुछ नहीं, बस रॉ नेचर है। एक गाड़ी खड़ी है किसी के यहाँ पे। ओह अच्छा, वो एंट्रेंस है मुझे लगता है। मैं पूरा गोल चक्कर घुमाया, दिखाई नहीं क्या है कहाँ पर। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो पीछे आप पहाड़ियाँ देख रहे हो, यहीं कहीं पर एक बाउंड्री लाइन है दो कंट्रीज के बीच में। बोस्निया देश शुरू हो जाता है इसके पीछे। मैं कहूंगा कि ये जो पेड़ों की लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है, इसी की एज के पीछे शुरू हो रहा है। और उस तरफ डुब्रोवनिक बिल्कुल कोने पे है क्रोएशिया के, उस तरफ मोंटीनिग्रो देश शुरू हो जाता है। तो मोंटीनिग्रो बोस्निया, और बोस्निया के आगे एक और नाम है, इसका मैं भूल रहा हूँ, बोस्निया एंड हर्जेगोविनिया ऐसा कुछ नाम है। इनको क्या ही पता है। और यहाँ पर क्रोएशिया। तो क्या है यहाँ पर, एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट बंद पड़ा है, केबल कार भी क्लोज्ड है। जो ATVs हैं यहाँ पर नॉर्मली लोग उससे भी आ सकते हैं। यहाँ और ये फाइनली टॉप मोस्ट व्यू, सबसे ऊपर से दिखता है शहर का। ऊपर बिल्कुल एक बड़ा सा क्रॉस बना हुआ है। वैसे मैं अपना ड्रोन लाया हूँ अपने साथ, लेकिन पता नहीं उड़ाना चाहिए कि नहीं यहाँ पर, क्योंकि इतनी हाइट से सब कुछ तो ऐसे ही दिख जाता है। ड्रोन को तब उड़ाने का फायदा होता है जब ऊपर से और अच्छा दिखे। अब यहाँ पे ऊपर तो कुछ है नहीं, क्या दिख पाएगा ड्रोन से, क्या लगता है, ट्राई करूँ या ना करूँ? ऐसे आप लोग कॉमेंट्स में लिख के बताओ। एक्चुअली क्या फायदा कमेंट्स में लिख के बताने का। ड्रोन उड़ाते वक्त वैसे इन वायर्स के बारे में सोचना होगा, जो केबल कार की वायर्स आ रही है ना, ये प्रॉब्लम कर सकती है। वैसे होराइजन पे देखने में पता भी नहीं लगता समुद्र कहाँ खत्म हो रहा है और आसमान कहाँ से शुरू हो रहा है। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है कोई और भी आया है। ओहो, मेरे ओट्स खा रही है। अभी अभी फिर से कोरोना टेस्ट करवाया है इस हॉस्पिटल में, लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर अच्छा था। कई बार क्या होता है, कई बार बहुत ही अंदर घुसा देते हैं ना, क्यों, और कई बार पता भी नहीं लगता। यहाँ किनारे पर पूरी पायरेट्स जैसी बोट खड़ी हुई है। यहाँ पर कुछ लोगों के घर दिखते हैं, कोई सोसाइटी सी है, अपार्टमेंट्स हैं। और अक्सर मैं किसी भी कंट्री में जाता हूँ, कंट्री कितनी सेफ है उसका ये अंदाजा लगाया जा सकता है ये देखकर कि जो घरों में लोग रह रहे हैं, क्या वो सोसाइटी के अंदर बैरिकेड करके रह रहे हैं या फिर कोई बैरियर्स नहीं है। यहाँ पर कोई दीवारें नहीं थी चारों तरफ, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी सेफ जगह है। इंडिया में हमेशा सोसाइटी के बाहर बड़े बड़े बैरियर्स लगे होते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। इन जनरल देखा जाए तो क्रोएशिया में साफ सफाई भी बहुत ज्यादा है, सड़कों पे एक कूड़े का पार्टिकल कहीं नहीं मिलेगा। देखो तो आसपास साइड स्ट्रीट्स में कितनी सफाई है। और ऐसे ही बहुत से व्यू पॉइंट्स भी हैं शहर में जहाँ से पूरा समुद्र दिखता है। ये बेंच बढ़िया होगा थोड़ी देर रेस्ट करके रिचार्ज करने के लिए। कोई भी नहीं है यहाँ पे। वैसे बड़ा टूरिस्टिक शहर है तो नॉर्मली तो बहुत टूरिस्ट होते होंगे, लेकिन पिछले दिनों इतना खाली खाली सा है हर जगह, कमाल ही है। जो पार्क है वहाँ पे बेंचेस खाली हैं, जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ पे ना के बराबर लोग हैं। वहाँ दूर एक आदमी स्विमिंग करने लग रहा है, कमाल है, इतने समुद्र के बीचों बीच अकेले।
अपने जमाने का बड़ा ही फेमस होटल है वो। एक टाइम पर उसे इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता था, 1970s के टाइम में जब उसे बनाया गया था। होटल लिबर्टा। इस छोटे से तालाब में ये कुछ असली कछुए हैं। दूर से देखकर लग रहा था कि नकली होंगे, लेकिन ये असली हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी है इस दीवार पे, जो लोवरी लिनाक फोर्ट है उसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन करी गई है क्रोएशियन में। इसका मतलब है फ्रीडम इज नॉट फॉर सेल फॉर ऑल द ट्रेजर इन द वर्ल्ड। ये हर भाषा में लिखा हुआ है यहाँ पर, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, ग्रीक, और नीचे चल के हिंदी में भी लिखा हुआ है, दुनिया के सभी खजाने पाने के लिए भी हमें स्वतंत्रता नहीं बेचनी चाहिए। ये ईवो नाम का बंदा इस घर में रहता था, जिसका पिछले साल ही देहांत हुआ है। इसका घर था ये, और 1991 की बॉम्बिंग्स में इसके घर पर बम गिरा था और इसके घर पे आग लग गई थी। तब की फोटो है ये, जब ये अपनी जान बचाकर भागा था। यहाँ पर इन्होंने डिटेल में बता रखा है, जब इन पर हमला हुआ था, इस टाउन पर हमला हुआ था सर्बियन और मॉन्टीनेग्रियन आर्मी के द्वारा, तब कहाँ कहाँ पे बम गिरे थे। यहाँ हर जगह वैसे जंगली बिल्लियों की कमी नहीं है, लोग खाना रख देते हैं इनके लिए हर कहीं पर। रात के टाइम पे इस शहर की गलियों का कुछ अलग ही मजा है अपना, बहुत कम लोग होते हैं यहाँ पे। अब ये एक और बड़ा अच्छा कॉर्नर है शहर के साइड में रिलैक्स करने के लिए, जहाँ कोई नहीं है, आराम से यहाँ पर बैठ के धूप में लेट सकते हैं। जंगली बिल्ली दिख रही है यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से पहुंची, अरे डरती है तो। पानी में सही में कूदने का मन करता है, हमारे मतलब आपको मत सिखा चल, लेकिन काफी ठंडा है ये अभी भी।